यूनिटी मुंडवा यूनिटी मुंडवा व्यापार मंडल मुंडवा व्यापार मंडल मैं अपने पति ले बैठी थी हाँ, मतलब चार दिन हो गया उन्हें वापस नहीं आया। मैं अपील करनी है कि जो तुम जिथे हो जिथे दिखा रहे हो तो वापस आ जाओ। बस मी और कुछ नहीं चाहिए, जो भी है अगे जो इन्ना नुकसान हो असरली मिलिए करगे, लेकिन तुम वापस आओ। हूँ वापस अपना हो गया, मैं अपने परिवार की क्या बचाऊं? मी कोई मदद आला नहीं लब्भा रहा इत्थे इत्थे, मतलब कि इत्थे कुसे ने आख्या कि वह लभी है। सारे मी मुबारकबाद भी देन लगे, मैं मंदिर जाइए केले भी चढ़ाई आई कि आइए अस घर जाइए वेट करते रहे कि वो आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उत्थे सानू कोई नहीं लब्भा। उत्थे राती से एक डेढ़ बजे तक अस देखते रहे कि आ रहे आ रहे, बच्चे भी गए रहे साढ़े नाल को, लेकिन कोई नहीं आया। फिर आखा तो कोई लभ्या ही नहीं, मतलब इतने अफवाह फैलाई उड़ी कि ये वो आ रहे हैं इतने वापस आ रहे हैं, लेकिन सानू तो कोई कोई नहीं आया। आम जनता ही मैं इो आखना चाहनी कि मेरा सहयोग किया जाए, अस आम जनता ही है, सानू आंदा नहीं है कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं आता सानू, मेरा सहयोग किया जाए, मेरा आदमी वापस आए, जेड़ी मेरा सारा इन्ना नुकसान हो मेरे नाल तुस भी संघर्ष करो, मेरी मदद करो। बस मैं अपनी मदद चाहनी हूँ, और कुछ नहीं चाहती। मेरा आदमी आया मेरे घर वापस। सर कल हमें झूठा आश्वासन दिया गया कि अब पापा मिल गए, हम खुश हो गए, हम खुशी खुशी अपने घर चले गए। हमें पता था, हमें लगा कि शाम को वो आ जाएंगे पापा, पर कोई नहीं। रात के 2 बजे तक हम वेट कर रहे, कोई नहीं आया, कोई नहीं। हमारा ध्यान ही पूरा दरवाजे की तरफ है। बस हमें सरकार से और आम जनता से यही निवेदन है, हमारे पापा वापस लाओ। पुलिस से, SP साहब से यही निवेदन है, हमारे पापा वापस लाओ। बस हमें समझ नहीं आ रहा, हम अपने बच्चे लेके कहाँ कहाँ घूमें, हमें नहीं समझ आ रहा। हमें, हम सारे जो आ रहे हैं अपने अपने गाने गा रहे हैं, हम यहाँ पे गाने सुनने थोड़े ना आए हैं, हम अपने पापा को देखने आए हैं। पापा लाओ हमारे यहाँ पे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब हमें पापा चाहिए बस। पर हमें जहाँ पे भी हमारे पापा मिले, हम फोटो भेज रहे हैं, हम अपने फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। जहाँ पे भी हमारे पापा दिखते हैं, किसी को भी हमें इन्फॉर्म करें हमारे पापा वापस लाए हैं। हमारी जनता से भी अपील है, हमारा संघर्ष में साथ दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आज इस धरने का दूसरा दिन था, और दूसरे दिन में ये आम राय बनती जा रही है कि जो महेंद्रपाल हैं, जो ओनर थे उसके, वो अनट्रेसेबल हैं। तब दो तारीख सुबह से उनका कोई पता नहीं चल रहा है, और पूरी वेदना और पीड़ा इस बात को लेकर के है कि वो उनका पता नहीं चल रहा है। हम उनसे भी इस आपके इस माध्यम से अपील करेंगे कि वो अपने घर वापस आ जाएं, और आपकी सकुशल वापसी के की सारा शहर कामना कर रहा है, सारा शहर आपके साथ खड़ा है। आप आ जाइए और आकर के अपने परिवार को, अपने बिजनेस को आप देखें, और आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो गई है जिसके कारण आपको भारी क्षति हो गई है, तो क्षति जीवन में किसी भी समय पूरी की जा सकती है, इसके लिए लोग भी आपके साथ हैं। हमारी ये आपसे यही प्रार्थना है कि कहीं से भी सुन रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाए। और हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर SP साहब से ये निवेदन करना चाहेंगे कि कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT
कोई कॉन्स्टिट्यूट करे, और अगर कोई साधनों की कमी है तो पूरा परिवार वो साधन देने को तैयार है और पूरा सहयोग करने को तैयार है। तमाम प्रकार की सुविधा हम मिलकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के महेंद्रपाल जी की को ट्रेस आउट करने के लिए लगाना चाहते हैं। और आज के बाद पहले तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो यही प्रायोरिटी होगी कि महेंद्रपाल शर्मा जो है वो किसी भी तरीके से उनको ढूंढा जाए और सकुशल वापसी उनकी उनके परिवार में की जाए। इसी बात को लेकर के आज के धरने में आए मुखिया ये बातें रही हैं, और इस बात को लेकर के जो बाकी जो बात थी वो हम अपनी जो बड़ी यहाँ की लीडरशिप है उनसे करेंगे, और जिस प्रकार की भी वो खामियाँ म्यूनसिपल एक्ट में हैं कहीं पर हैं वो पिन पॉइंट की जाएंगी। और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जो हमारा पुराना शहर है उसमें से जितनी भी कंस्ट्रक्शन वायलेशंस हैं उसको एकदम एग्जम्प्ट करके लोगों को माफ़ी दे देनी चाहिए पर्टिकुलर डेट से। ये लॉ में प्रोवाइडेड भी है और आने वाले समय में इस बात को लेकर के किसी भी परिवार को किसी भी व्यक्ति को कोई दुख नहीं हो सकता है, तकलीफ नहीं हो सकती है। यही हमारी आज का ये रहा था कि सर ये था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ उनका फोटो वगैरह सर्कुलेट किया था, और उनको पुलिस ने बताया था कि शायद उनको किसी ट्रांसपोर्टर ने जो गाड़ी जो अमृतसर जा रही थी उस गाड़ी के किसी ने उनको कहा था कि ये व्यक्ति जो है वो गाड़ी में अमृतसर की गाड़ी में बैठ के अमृतसर चले गए हैं। तो तब से वो अमृतसर तब हमारे लोग भी उनके परिवार के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी अमृतसर गए और सारी जगह वो घूम करके गुरुद्वारा और यहाँ जहाँ भी उनको लगता था वो देख के आए हैं, उनका कहीं पर पता नहीं चला है। वो कल वाली बात के लिए हमको क्या कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि कल वो मिल नहीं पाए हैं, और आज वो कहीं मिल जाएं और घर वापसी हो जाए। अगर वो उनका जितना समय व्यतीत होता जाएगा घर वालों की बेचैनी बढ़ती जाएगी, शहर में भी बेचैनी का आलम बढ़ता जाएगा। इसलिए पूल प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कोशिश करे और पूरा समाज इसके लिए कोशिश करे, और किसी भी प्रकार की संभव सहायता की बात को हम पहले भी कर चुके हैं, हम पुलिस प्रशासन से फिर निवेदन करेंगे। खास करके SP साहब से बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, कोशिश करें और उसकी सर्कुलेशन वापसी करवाएं। ये सर ये एक प्रोसेस है, इसमें देख रहे हैं बातचीत हम इन लोगों से कर रहे हैं, अंतिम फैसला तो व्यापार मंडल को ही लेना है। व्यापार मंडल से सजेशन कर रहे हैं कि इसको किसी इस ढंग से किया जाए जिससे व्यापारियों को भी सुविधा ना हो, हमारे लोगों को भी सुविधा ना हो, और सभी सुविधाओं को ध्यान में रख करके आगे की रणनीति जो है इस प्रकार से बनाई जाएगी। वो जो भी रणनीति वो बनाएंगे व्यापार मंडल के लोग वो आपको बता देंगे सर। थैंक यू। वो इतने गए SSHO ने पता नहीं कुन रिमूवर किया भी महाराज नहीं लभी है लभी है लभी है, लेकिन वो कल नहीं है परसों की गल है भी इतों 6 बजे 5:30 निकले हो 6:15 पुजे लखनपुर 6:45 पुजी है, कुछ पूछ लगे पहली बस कुन्ने बजे जी है, उन्हें आखिया 6:15 आँदी 6:20 पर आँदी 6:10 पर आँदी है, उन्हें जी पहली बस लभी उसे चढ़ी है वो सब अंबरसर वाली पहली बस चढ़ी अंबरसर चली है या कुछ उतरे गार्ड नोज, लेकिन कल इन्हें कोई SSHO ने पता नहीं कुन आखिया इन्हें शोर मचाई था नहीं महाराज लभी लभी अमृतसर नहीं अमृतसर नो, असें 2 गड्डियां अपनी जी भेजियां और उन्दे अपना भी गए पुलिस बंदे भी 2 गए तो साढ़े भी 5-6 बंदे 2 गड्डियां गई, लेकिन राती तक सानू कोई नॉलेज नहीं हुई कोई पता नहीं मुड़े 11-12-1 बजे ने वापस आए न कोई जानकारी कोई हासिल नहीं हो कुछ, बस स्टैंड पर छित्ती कैमरे लगे रहे छित्तियाँ जो कोई भी नहीं चलता, हूँ और बाद साढ़ा के काम है अस कुछ तुपचे उसी असें अपना जोर लाया जिन्ना भी है कुछ जाचे अस जान दसो भाँ फलानी जगह फिर अस चलो उत्थे जाचे। और बड़ी गल ये है कि जिले ये बिल्डिंग बनी है कोई 2 दिन च 8 दिन च महीने च 2 महीने 6 महीने च बनी नहीं है, इसी 6 साल होया काम लगे रहे 6 सालों बिच अगर वो पहली स्टोरी बनी है तो इन्हें नक्शा बनाया, दूसरी स्टोरी बनी है तो CEO ने भी जां जिहड़े भी इत्थे उसले प्रेजिडेंट हे उन्हें आखिर नक्शा पास किया, अगर 3 भी बनी है तम ही इन्हें नक्शा पास भी किया वह भी किया रेजिडेंस किया या जियां किया है, उन्हें सीधा आखो भी असी रेजिडेंस का जोड़ा है उरी इन्नी फीस है कमर्शियल कराना, जो कमर्शियल करना तो उरी इन्नी फीस जमा कराओ, उन्हें इस हाथ पैसे लेंदा गया CEO पिछों तो अगर आखिर तू बनांदा गए उस CEO के दुध चोने वाली गाय लभी रही ही भी दुध दिंदी जा रही है गाय तो लेंदे जाओ तो बनाते जाओ, जो त्रीया गया उसने क्यों नहीं इन्हें आख्या भी महाराज तुम इं करो जोड़ा थोड़ा नक्शा नहीं बनी सकता अगे उस सू आखना चाहिए सानू कोई नहीं आखिया उन्हें भी महाराज अगर चौथी बिल्डिंग बनी उसल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुती रही ही या CEO कुछ सुते रहा या प्रेजिडेंट कुछ सुते रहा, प्रेजिडेंट आखिर 2-3 बारी चेंज होए होंगे पहले नरेश शर्मा और और बाद बब्बी जी आए, उन्हें सानू आखना चाहिए हा भी थोड़ा जरा रेजिडेंशियल है इसी अगे नहीं बनाओ, क्यों बन दिता इन्हें चौथी बिल्डिंग क्यों बनती थी आवाज तो बनी नहीं
जे चौथी बिल्डिंग बनी ही है अगर अस फिर भी आखने हैं अगर वह थोड़ा ये 1000 रुपया बिल अपना फीस है 10000 रुपया फीस है 20000 रुपया फीस है 50000 रुपया फीस है जिनी फीस है उरा अगे 10 गुना 20 गुना फाइन पाओ तो उसी मतलब के करो ठीक करो जी हाँ ठीक है जी अस 20 गुना फाइन पाई था 10000 रुपया फीस ही है 2 लाख रुपया दो जमा कराओ कन्ने मिगी एक गल दसो भाई म्यूनसिपल को तनखाह देने असें पैसा नहीं है तनखाह देन 15 मुलाजम कड़ी उड़े दे परसों के भाई जी अपना तनखाह देने असें पैसे हैनी हैन तो जेड़ा अस बाई रुपये 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया अस उड़ी देंदे फीस देंदे या असी कोई उड़ी पेनल्टी पाते तो म्यूनसिपल को पैसा भी आई जाना हाँ तो बिल्डिंग भी ठीक हो जानी इन्हें इन्ना नहीं चाहिए हा इन्ने बशर्म लोग है पिछों देंदे जाओ अगे बनाते जाओ पिछों देंदे जाओ अगे बनाते जाओ एक तरीका मैं इो गुजारिश करना कि जान दे इंदे पिछले साजिश है कोई जो डीसी भी हिस्सा मिलता रहा प्रेजिडेंट भी मिलता रहा तो सीओ सारे ही मिलता रहा तो मतलब कि अपना लेंदे रहे बनाते गए लेंदे गए बनाते गए अस के आखचे हम दसो सी नहीं सकते अस कुछ जागे तुप्पन मी दसो कुछ जाचे जो अगर तुम आखी सकते फलानी जगह तुप्पन चली पौने अस हूँ कोई आखा जी तांत्रिक करो कोई आखते इं करो कोई आखते उधर जाओ कोई आखता सोधी पाता कोई आखता फलानी जी करता जे वो सानू आखा रहे तो पुलिस वाले जान ना सोधियां साधियां पाने इन साढ़े को 10 बंदे उन्दे को 1000 बंदे 1000 बंदे सानू फड़ने 1000 बंदा लाई सकते हो या 1000 बंदा वो करी सकते कट्ठा तो 1000 बंदा भेजी देना दाएं बाएं इत्थें केह करा करदे नो दिखो जी जेड़ा ओरा फोटो है वह असें सारे दे दिते रहा क्या SHO है क्या DSP की क्या अपना इतें DC आफिस जा मीडिया आने सारे दिते रहा अस इो अपील करना चाहते हाँ कि अगर कुत्ते भी वो लभदा है या कुन्ने कोई भी दिखता है तो इन्हें नंबरों पर तुम सानू इनफॉर्म करो ये पुलिस का काम है पुलिस सानू इनफॉर्म करे अस आने पर चलो ठीक है ठीक ठाक घर आई जाए वापस।